You're watching Today Express News. कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के गांव अनंगपुर पहुंचे, जहां बसे हुए कश्मीरी पंडितों के सारिका देवी मंदिर में माथा टेका और मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि आज कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर से बाहर है तो सिर्फ कांग्रेस की वजह से है, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही घर वापसी करवाएंगे। वहीं मंत्री गोयल ने कश्मीरी पंडितों के लिए अन्य सौगातें भी दी। कश्मीर के हारी पर्वत पर विराजमान मां सारिका देवी के दूसरे प्रतिरूप को कश्मीर छोड़ने के बाद फरीदाबाद के गांव अनंगपुर पहुंचे कश्मीरी पीड़ितों ने अरावली पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और यहीं पूजा अर्चना करते हुए बस गए, जिनसे मिलने के लिए आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल अनंगपुर पहुंचे और पहाड़ी पर चढ़ते हुए माता सारिका देवी के मंदिर पहुंचे और माथा टेका। वहीं कश्मीरी पंडितों द्वारा मंत्री के आगमन पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री को लोगों ने पारंपरिक रूप से अपने अंग वस्त्र भेंट किए और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। यहाँ पर जो माँ सारिका कश्मीर में स्थापित है, उनका रेप्लिका जो हरी पर्वत कश्मीर में स्थापित है, यहाँ पर अनंगपुर गांव के अंदर कश्मीरी समाज ने किया, तो उसके दर्शन करके बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ी ही संतुष्टि मिली। और कश्मीरी समाज से मिलकर कश्मीरी समाज ने इस मंदिर में आने के लिए कुछ रोड्स की बात की, तो उस रोड को हमने पहले ही इनकी डिमांड थी वो सेंक्शन करा दिया है। वो 50-50 लाख रुपये की लागत से 2 चरण के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी, 1 करोड़ रुपये की टोटल रोड बनेगी। और दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर एक मेमोरियल जो शहीदों के नाम पर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी 21 लाख रुपये मैंने अपने स्वैच्छिक फंड से देने का दिया है यहाँ पर। और कश्मीरी समाज ने जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर माँ सारिका को स्थापित किया है, तो मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा कि माँ सारिका का आशीर्वाद फरीदाबाद के लोगों को, फरीदाबाद को मिले, दिन दुगनी रात चौगनी फरीदाबाद हमारा तरक्की करे। और जो सपना हम फरीदाबाद के लोग देखते हैं कि फरीदाबाद वापस विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान रखे, मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि हम उसमें सक्सेस हो सकें। देखिए, कश्मीरी लोगों का ये दुख है कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो कांग्रेस ने वहाँ के लोगों को पालने का काम किया, अगर वाजपेयी जी के बाद 10 साल अगर कांग्रेस की सरकार ना होती तो आज कश्मीरी समाज वहाँ से बाहर ना होता और सेना के ऊपर पत्थर ना फेंके जा रहे होते। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आज उस पर लगाम लगाने का काम किया और हुर्रियत के नेता आज रोड पर राजनीति नहीं करते, सलाखों के पीछे रहकर कश्मीर को बर्बाद करने के काम से उन्हें रोका गया है। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और सेना को जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं उनको जीप के पीछे बांधकर खींचने का काम जो हमारी सेना करी है, स्वतंत्रता देने का काम भी अगर किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के मान सम्मान लौटाना और कश्मीरियों के घर वापसी का काम अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। Smart Sound.